साथियों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टैनो स्टार में। मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश तीन, जो कि भाग दो का ही एक पार्ट है। ठीक है, वाक्यांश तीन करेंगे। वाक्यांश तीन के बाद वाक्यांश चार आएगा, उसके बाद अभ्यास पचास। साथियों कुछ भी नहीं है, वाक्यांश तीन में बहुत ही ईजी है। अब तक हमने 49 तक अभ्यास पढ़ी है, तो काफी शब्द चिन्ह हमारे याद हो चुके हैं। उन्हीं शब्द चिन्हों को इसमें मिला के लिखा गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें जितने भी शब्द चिन्ह यूज हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत, इसमें दिख रहा होगा बहुत लोग, दिख रहा होगा अच्छा, दिख रहा होगा ज्यादा, दिख रहा होगा सब, सबसे पहले, सबसे बुरा, बुरा का शब्द चिन्ह है, सबका शब्द चिन्ह है, अच्छे का शब्द चिन्ह है। ठीक है, तो ये जो है सभी अधिकतर हमारे शब्द चिन्हों पर ही यूज हुए हैं। कुछ नहीं किया गया है, शब्द चिन्हों को जोड़कर लिखा गया है। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द चिन्ह है बहुत, दूसरा है अच्छा, दोनों ही है, दोनों को इंक्लूड करके लिखा गया है। तो सभी शब्द चिन्ह हमने सीख रखे हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड से इस अभ्यास को करेंगे। और बस इन दो जो शब्द चिन्ह है, जैसे कि बहुत और अच्छा, इनको एडिशन, इन दोनों का एडिशन यही इस वीडियो में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसकी PDF चाहिए, इमेज चाहिए या सॉल्यूशन बाई हैंड वाला चाहिए, तो आपको बड़ी आसानी से हम प्रोवाइड करवा देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम देते हैं, अदरवाइज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम की ID हमारी यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी हमारी जो है उसी लिंक पर क्लिक करके ID को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द हमारा लिखा हुआ है बहुत से लोग। ठीक है, ये जो है PDF, इसके इमेज मैं आपको सब दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज की जो ये वाक्यांश दिए हैं बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ आपको, आपको लगेगा भी सीखने में, तो इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ाने वाला हूँ, जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि काफी आगे तक हम आ चुके हैं, आप समझ जाओगे। सिर्फ शब्द चिन्ह को जोड़ना है, क्या करना है, सिर्फ शब्द चिन्हों को प्लस प्लस करना है। ठीक है, दो है, तीन है, ये चीज सीखनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द लिखा हुआ है बहुत से लोग। ठीक है, पहला शब्द है यहाँ पर बहुत से लोग। तो बहुत से लोग लिखने के लिए हमने क्या करना होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। देखिए बहुत से लोग, अब बहुत का हमारे पास क्या है, शब्द चिन्ह, से का शब्द चिन्ह, लोग का भी शब्द चिन्ह, तो कुछ करना नहीं है, जोड़ना है, तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बहुत, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे हम बहुत का शब्द चिन्ह, लाइन को काट कर बनाते बहुत, यहाँ पर जोड़ देंगे से का आंकड़ा, बहुत से, और यहाँ पर ले का आंकड़ा, यानी कि ले का शब्द चिन्ह, तो बहुत से लोग, बहुत से लोग, ये हो गया। नेक्स्ट है बहुत अच्छा। तो देखिए अच्छे के लिए आपको पता है अच्छे का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है, अच्छे का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, अच्छे का शब्द चिन्ह जोड़ देंगे बहुत में, तो बहुत का शब्द चिन्ह अच्छा। लेकिन अब ये काफी लेंथी हो रहा है, जबकि हमने अगर ये सीख रहे हैं तो शॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस अच्छे का ये निचला वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत और इसी में जोड़ देंगे अच्छा। ठीक है, ये हो गया बहुत अच्छा। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा। तो देखिए ज्यादा का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है, तो ज्यादा का शब्द चिन्ह होता है सै बनाएंगे, और जय का आंकड़ा, जय का आंकड़ा सीखा था ना, तो जय के आंकड़े में सै कर देंगे तो ज्यादा पड़ जाता है, शब्द चिन्ह है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर लाइन को काट कर लिखेंगे बहुत, ठीक है, और इसके बाद लिख देंगे हम इस तरह से। देखिए हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर से नीचे से घुमा के इस तरह से, ये भी सा है, और जब आगे बढ़ गया थोड़ा सा जा, जा का छोटा करेंगे तो दा जुड़ जाएगा स्वयं। ठीक है, ये देखो रूल के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तब भी ये पूरा ही लिखा हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सह और सह, और आगे निकालेंगे थोड़ा सा जय, जय को उसकी कोई लंबाई से आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा दा, इसमें फिर जुड़ जाएगा, क्योंकि रूल है दय और तय जुड़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा आप बहुत लिखेंगे और यहाँ पर सह जुड़ेंगे और जय का आंकड़ा जोड़ देंगे, तो बहुत ज्यादा आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बहुत से लोग, ये हो गया आपका बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। ठीक है, दो दो तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द को देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट शब्द है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखने के लिए क्या करेंगे, सबका शब्द चिन्ह है, से का शब्द चिन्ह है, पहले का शब्द चिन्ह है, तीनों को जोड़ना है। तो सबसे का शब्द चिन्ह देखिए लाइन के ऊपर नीचे का यहाँ पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, देखिए वैसे सब अगर लिखा जाए तो लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा सब, सब, क्योंकि आकर मात्रा हो अधिकतर और एक ही मात्रा हो लाइन के ऊपर ही लगती है, बट यहाँ सीखने के लिए कर रहे हैं और जोड़ने के लिए। देखिए जब हम किसी शब्द चिन्ह के पीछे, या मान लीजिए किसी, मान लीजिए कोई एक शब्द है,
उसके पीछे जब दूसरा शब्द जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं ऊपर नीचे का भेदभाव, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखना है सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखने के लिए सब का बनाएंगे सब चिन्ह स ब सब, अब इसमें जोड़ देंगे स का आंकड़ा सब से, सब से, अब इसमें जोड़ देंगे पहले का शब्द चिन्ह, यानी देखिए पहले का शब्द चिन्ह जोड़ लो या फिर पहले जो लिखा हुआ है ना इसका पहला लेटर जोड़ लो, बात वही बैठेगी, जबकि पहले का शब्द चिन्ह भी ऐसे होता है, तो सबसे पहले पढ़ लो या पहला लेटर जोड़ लो, अगर झूठ शब्द के नियम के अनुसार चल रहे हो तो पहला शब्द या लास्ट का शब्द भी जोड़ सकते हैं सबसे ले सबसे पहले, क्योंकि बस ये आपको उठाने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। अब लिखना है हमें सबसे पहले हो गया, अब लिखना है सबसे बड़ा, तो बड़े का भी शब्द चिन्ह है हमारे पास, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सब, लिखेंगे से और बड़ा, वैसे काट देंगे, या तो बड़े के आप ये मान सकते हैं कि फर्स्ट लेटर से काटा है या जोड़ा है झूठ नियम के अनुसार, अदरवाइज बड़े का शब्द चिन्ह भी आप इसको मान सकते हैं, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सेम तरीके से लिखे जाएंगे, अगर आप इनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप बड़े में ये बिंदु लगा लेंगे जिससे आपको ये पता चला कि बे डार्क है, तो सबसे बड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है, और सबसे पहले पढ़ सकते हैं, अन्यथा दोनों को एक साथ ही बनाने का तरीका है, आप चेंज करके भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे स ब सब से पहले सबसे, इस पहले का ल जोड़ देंगे इसमें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तरीके काफी होते हैं, तरीका वह यूज करते हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों को आप यदि आप यहाँ बिंदु नहीं लगाते हैं तो दोनों को जब बाकी में आएगा दोनों को उठाएंगे, उठाने के बाद जो भी अच्छा लगेगा उसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं सबसे बुरा, तो सबसे बुरा, बुरा का शब्द चिन्ह हमारे पास है तो कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे सब, लिखेंगे से और बै से जोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, बट अभी तीन एक साथ हो जाएंगे, सबसे बड़ा सबसे बुरा सबसे पहले, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें बै और रे को जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे बै और रे को, लिखेंगे स ब सब, यहाँ पर हम इस साइड से जोड़ेंगे से सबसे और इसमें बै और रे का आंकड़ा, तो सबसे बुरा स ब सब और यहाँ पर हमने क्या जोड़ा स का आंकड़ा और बै और बै में रे का आंकड़ा सबसे बुरा, आपकी बुक में भी यही है, लास्ट में जब हम इसको पढ़ लेंगे पूरी ही बुक का भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उसकी जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी इशू रहेगा आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको आपके आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजिली प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे बुरा सबसे सॉरी सबसे पहले सबसे बड़ा सबसे बुरा, नेक्स्ट है सबसे अच्छा, तो देखिए सबसे अच्छा अच्छे का शब्द चिन्ह अभी हमने बताया था इस तरह से होता है, बस वही जोड़ना है इसमें, तो क्या करेंगे सब से अच्छा, ठीक है, सब से और अच्छे का शब्द चिन्ह जोड़ दिया, यहाँ पर हमने सिर्फ इतना हिस्सा नहीं जोड़ा इसका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से जोड़ा है, जोड़ सकते हैं वैसे निकाल के, बट समझने में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, तो इसलिए हम इसको पूरा लिख सकते हैं सबसे अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया, इजीली आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चारों शब्द आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लेकिन नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर ए का एक, तो ए का एक लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, दो बार कै बना देना है आपको, लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, लाइन पर भी बना सकते हैं, देखिए एक में ए की मात्रा की आवाज आती है, इसलिए ये लाइन पर बनना चाहिए, हम लाइन पर ही बनाएंगे, बट मैं यहाँ पर लाइन पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको चमकेगा नहीं, क्योंकि ये भी ब्लैक है और कै लिखूंगा, ये सीधी लाइन है ये भी, और वो भी सीधी लाइन होगी, तो आपको चमकेगी नहीं, देखिए इस तरह से, ठीक है, तो ये आपको चमक नहीं रही होगी, इसलिए मैं लाइन के ऊपर बना रहा हूँ थोड़ा सा। ए का एक लिखने के लिए हम बनाएंगे कै, ठीक है, तो एक और कै, मतलब दो बार यदि हम कै कै बनाते हैं तो एक एक ही पड़ जाएगा, कै कै तो कुछ होता नहीं है, जब हम लाइन पर बना रहे हैं तो एक ही मात्रा से हम पढ़ लेंगे, तो एक 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 का एक, ठीक है, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं, इजी है, शब्द चिन्ह याद कर सकते हैं, अदरवाइज लिखा भी इसी तरह से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट शब्द है समय समय पर, ठीक है, तो कुछ नहीं करना साथियों, देखो समय समय पर लिखने के लिए हमारे पास समय का शब्द चिन्ह है, समय समय का समय का शब्द चिन्ह है, तो दो बार लिख लेंगे समय समय, फिर उसमें पर का शब्द चिन्ह है या आंकड़ा है वो हम इंक्लूड कर देंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे स ओ मैं समय, समय का शब्द चिन्ह, फिर जोड़ देंगे स ओ मैं समय, समय समय दो बार लिख दिया, तो इसमें जोड़ देंगे पर का शब्द चिन्ह, तो समय समय पर, तो इस तरह से लिख सकते हैं इजी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बात बात में, अब देखिए बात का शब्द चिन्ह भी हमारे पास है इस तरह से, यदि हम लिखते हैं तो क्या होता है बात, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं, देखिए बे बनाएंगे तय बनाएंगे, बे बनाएंगे तय बनाएंगे, बात बात वो यहाँ पे ही हम क्या जोड़ेंगे पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रही है, क्या डिस्टर्बिंग हो रही है कि जब हम पर को जोड़ रहे हैं लास्ट में, सॉरी पर नहीं है, बात बात पर, ठीक है, बात बात पर या बात बात में, दोनों ही लिखना हम सीखेंगे, ठीक है, ये बात बात में और ये बात बात पर, बात बात
में, ठीक है, ये बात बात पर दोनों है। अब जब यहाँ हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं और तय तय पूरा लिख रहे हैं ना, डिस्टर्बिंग हो रही है, लिखने में भी मजा नहीं आ रहा है, पढ़ने में भी दिक्कत तो नहीं होगी, खैर उठा लेंगे, बट यहाँ लास्ट में बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वाले तय को और इस वाले तय को, यानी कि बात का जो तय है उसको लोप करेंगे, सिर्फ दो बार बै लिखेंगे। देखिए समझते हैं कैसे, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमें करना है, लिखेंगे बै एक बार, ठीक है, फिर एक बार और बै, ये हो गया बात बात। आपको देखिए क्या करना है, लाइन को काट कर, ये तो मैं बड़ा है ब्लैक बोर्ड पे ऐसा लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, बात बात, ठीक है, और बात बात में लिखना है तो मैं जोड़ देंगे, बात बात में लिखना है, बात बात पर तो बात बात को पर जोड़ देंगे, बात बात पर, ठीक है। बात बात से तो कुछ ऐसा होता भी नहीं है, बट इसमें ही सह आंकड़ा लगा देंगे, जो भी मतलब पीछे रहेगा वो आंकड़ा हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। दो बार बै लिखेंगे तो बात बात में, बात बात पर, मे के लिए आप यहाँ बिंदा भी लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं लिखेंगे तो बात बात में ही पड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। अब देखिए एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, भाषण देते हुए, ठीक है, शब्द है आपका नेक्स्ट भाषण देते हुए, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए आपकी जो बुक में दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, बनाया है भय, भय बनाया है, और यहाँ पे क्षण, क्षण का जो हमने, क्षण और क्षण का जो हमने पढ़ा था वो आपका यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो भाषण को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको है से जोड़ दिया, ठीक है, तो भाषण हो गया, भाषण देते हुए। अब ये जो इन्होंने है जोड़ा है, ये हुआ हुई हुए का सब चिन्ह होता है ना, तो वो जोड़ दिया, भाषण देते का इन्होंने लोप कर दिया, हुए हो गया। तो ये ज्यादा ही लोप वाला सिस्टम हो गया है, वैसे तो आपको फिर ये याद ही करना पड़ेगा कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये सब चिन्ह ये भाषण देते हुए ही पढ़ा जाएगा, बट आप इस तरह से नहीं, इसको और इजी में लिख सकते हैं जिससे आप समझ सके। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, भय बनाएंगे, भय स भाषण, ठीक है, और यहाँ से ही ले लेंगे दैते हुए, इस तरह से कर सकते हैं, आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, भय, ठीक है, भय, और यहाँ पे जोड़ेंगे स भाषण, ठीक है, और यहाँ पे देते, देते में ही हम क्या जोड़ देंगे, हुए, देते, भा भय स देते हुए, बट नया कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसको समझते हैं। आपको पता है कोई भी चीज दो बार नहीं कटती, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इससे काट देंगे, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाषण ये हो रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जब हम थर्ड ईयर उसमें रो में काटते हैं तो वो ढाई भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ भाषण, भाषण, भय और ढाई साथ पढ़ लेंगे, भाषण देते हुए, ऐसा भी हो सकता है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये आप नहीं उठा पाएंगे शायद। तो आप इसको जो है और इजी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए भाषण को हम पूरा लिख सकते हैं जैसे ये है, वो देते हुए इसमें जोड़ सकते हैं, तो ये इजीली उठ जाएगा ना। देखिए भाषण देते हुए शब्द है, एक शब्द और इसके साथ आएगा जो अभी आगे पढ़ेंगे, भाषण देते हुए कहा, इस तरह से, तो उसमें कुछ नहीं, हम कहा को जोड़ देंगे। तो इसी में यदि हम देखिए, अगर हम इस तरह से बनाए इसको, भा देते हुए कहा, ठीक है, भाषण देते हुए कहा, या इसी में जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसी में जोड़ सकते हैं, भाषण देते हुए कहा, ठीक है। अब उधर को देखिए, उधर जोड़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आप इधर को जोड़ सकते हैं, भाषण देते हुए कहा, भाषण को पूरा लिखेंगे और इसको एक साथ लिख लेंगे, जबकि यहाँ पर क्षण और क्षण का वो लगाया हुआ था, क्या, जो हमने रूल पढ़ा है, तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट सब देखते हैं, देते हुए कहा। अब देखिए देते हुए कहा, तो यहाँ पर क्या है, दैते जो हमारा लाइन पर होता है, देना देते का सब चिन्ह भी है, दिन का सब चिन्ह होता है ना, वही चीज है, क्या करेंगे, देते लिखना है, तो देते हुए लिखेंगे दे, एक ही मात्रा है तो लाइन पे लिखेंगे देते, यहाँ पे जोड़ देंगे हुए, हुआ हुई हुए, और तब हम थोड़ा बड़ा करके इसमें यदि हम ये जोड़ देते हैं ये शब्द चिन्ह, पहले हम दे ये पढ़ेंगे, देते हुए कहा, यदि हम ये देखिए, ये जो शब्द है जो हमने बहुत मोटाई में बनाया है, ये क्या करते हैं, हमने कहा का हमारे पास शब्द चिन्ह इस तरह से कहा, ठीक है, यदि हम कह और हा इस तरह से लिखते हैं तो कहा पढ़ा जाता है, अदरवाइज हम इस जब हम किसी चीज में जोड़ते हैं इसको, तो हम इतना पार्ट इसका जोड़ लेते हैं, जैसे कि अभी अच्छे का हमने सिर्फ इतना पार्ट जोड़ा, तो उसके हिसाब से हम समझ जाते हैं, तो कहा है होगा, देते तो देते हुए कहा, ठीक है, इस तरह से, देता देनी देता का सब चिन्ह लाइन पर हुए, और यहाँ पे यदि हमने बहुत बड़ा करके हा जोड़ लिया तो देते हुए कहा। अब हमने अभी पढ़ा शब्द भाषण देते हुए, तो बस भाषण इसमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे भय, यहां से बनाएंगे भय शय भाषण, ठीक है, यहाँ से हम बनाएंगे देते हुए कहा, ठीक है, भाषण देते हुए कहा, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, सेम है, भाषण तो जोड़ना है, अब वो आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह से जोड़ रहे हैं, ठीक
ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दोनों शब्द चिन्ह हो गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर देते हुए, ठीक है, उत्तर देते हुए। देखिए उत्तर लिखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बनाना है तय। यदि हम तय बनाएंगे तो देखिए, तय को बनाना है तो लाइन पर बनाएंगे तो ऊ की मात्रा ए की मात्रा जुड़ जाती है जब लाइन को काट करना आते हैं तो। बट अब हमने क्या करना है, उत्तर लिखना है तो तय को हम उसकी कुल लंबाई से दुगना कर देंगे तो उत्तर हमारा स्वयं जुड़ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे उत्तर, तो ऊ की मात्रा है तो तय उत्तर, तो देते, और इसमें हुआ हुई का सब चीज। देखिए अब यहाँ समझेंगे, हुआ हुई ये जो होता है ना, ये जो गुंडी होती है हु की होती है, जबकि हुआ हुई के लिए गुंडी होती है ऊपर की ओर, तो आप ऊपर की ओर भी इसमें जोड़ सकते हैं इस तरह से, देते हुए कहा, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इजी कौन सा बना पा रहे हैं, कौन सा उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर देते हुए, लाइन को काट कर तय बनाया, तय को उसकी कोई लंबाई से दुगना कर दिया, डर जुड़ गया जो कि हमने पहले भी पढ़ाया, तो उत्तर देते देने का सब चिन्ह हुआ हुए, उत्तर देते हुए। ठीक है, आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, उत्तर देते हुए। ठीक है, इस तरह से, इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि ये हुआ हुई है क्योंकि ऊपर की ओर है, और ये है देते हुए है। ठीक है, ये है पढ़ा जाता है, तो है और हुए में अगर अंतर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तर देते हुए कहा, उत्तर देते हुए, ये हो गया उत्तर देते हुए। अगर इसी में जोड़ना है उत्तर देते हुए कहा, तो बनाएंगे तय देते हुए कहा, उत्तर देते हुए, बस थोड़ा बढ़ा के कहा का सब चीज जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये इजीली आपको समझ में आएगा आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं, अब है भाषण देते हुए कहा, उत्तर देते हुए कहा, दोनों ही चीज मैंने आपको समझा दी है। उत्तर देते, मैं लाइन पे लिख देता हूँ दोनों को एक साथ, फिर से आप एक बार और समझ लेंगे। तो लिखना है भाषण, यहाँ पे देते हुए हुआ के सचिन कहा, उत्तर उत्तर देते हुआ हुए हुए कहा, आप इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, भाषण, ठीक है, देते हुए कहा, उत्तर देते, ठीक है, यहाँ आएंगे हु कहा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, एज योर विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, पहले पहल, कुछ नहीं है, पहले पहल लिखना है, पहले का सब चिन्ह है, पहले का सब चिन्ह है और पहल का भी सब चिन्ह है, कुछ नहीं करना, पहले पहल लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले पहले पह का सब चिन्ह बनाएंगे, पहले पड़ जाएगा, पहले का सब चिन्ह पहले, फिर इसमें थोड़ा सा डैश जोड़ देंगे, थोड़ा सा डैश जोड़ के फिर एक और पह जोड़ देंगे तो पहले पहल। अब देखिए दोनों पहले पहल समझेंगे, हाँ पहले पहल और ये पहले पहले भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, झूठ शब्द है, इन्होंने पहला शब्द पूरा लिख दिया, पहले शब्द का सब चिन्ह पूरा लिख दिया, दूसरे शब्द को इसमें जोड़ दिया, तो पहले पहल। ठीक है, और पहले पहले लिखना है तो सिर्फ इसी को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अंक का बिंदा लगा दीजिए तो पहले पहल, देखिए ईजी है, ये डैश इसलिए लगाया गया है क्योंकि यदि आप इस तरह से एक साथ जोड़ते तो कहीं ना कहीं इसको बहुत भी पढ़ सकते थे, बड़ा बड़ा भी पढ़ सकते थे, अभी हमने ऊपर बताया बात में, तो धोखे से आपका कुछ नू हो जाए तो और दिक्कत, वो पढ़ने में दिक्कत, तो इसलिए डैश लगा के इन्होंने इस तरह से जोड़ दिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए झूठ शब्द की तरीके से पहले लिखेंगे, लिखेंगे पै है, ठीक है पै है, लेकिन देखिए यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझना क्या पड़ेगा, देखिए हमने लिखा पै, लाइन पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए, पै यहाँ पे है का जोड़ दे है ले, पहले और पहले के पह से काट देंगे, पहले पहल, और इसे ही पहले पहले पढ़ना है तो आकर बिंदा लगा देंगे, या फिर इसको ले से भी काट सकते हैं। लेकिन यहाँ समझेंगे क्या, जब हमने लिखा था बहुत से लोग, तो हमने भी वो भी तो ऐसे लिखा था ना, बहुत से लोग सेम है ना, तो इसलिए आप ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, बस ये लाइन को काट कर है, ये लाइन पर है, तो बहुत बहुत पहले, तो ये याद करने वाली चीज होगी ना, इसमें आप डिस्टर्ब ज्यादा हो सकते हो, इससे अच्छा तो यही वाला रहेगा कि आप इस तरह से लिख लो, डैश लगाओ, पहले पहल, पहले पहले, पहले पहल इस वाले को पढ़ लेंगे और आगे एक ही बिंदी अगर रख देंगे तो पहले पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इजी। चलिए नेक्स्ट शब्द को देखते हैं, नेक्स्ट शब्द है आपका यहाँ पर पहले ही से, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले पहल हमने लिख दिया, पहले पहले हमने लिख दिया, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है पहले ही से, पहले का हमारे पास शब्द चिन्ह है, पहले ही इसमें जोड़ देंगे ही, वो थोड़ा सा नीचे को निकाल देंगे तो से का जो आंकड़ा होता है वो भी इसमें हमारा जुड़ जाएगा, तो पहले से पहले। ठीक है, इस तरह से बहुत ईजी लिख सकते हैं, दोबारा देखेंगे, पहले का शब्द चिन्ह से जोड़ देंगे, थोड़ा सा निकाल देंगे से का आंकड़ा, पहले ही से पहले और है और ही और से का आंकड़ा, पहले ही से लिखना है, पहले से ही, पहले से ही, तो पहले
से और है एक साथ जोड़ देंगे, पहले से फिर यहाँ एक और, तो पहले से ही इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे करके भी जोड़ सकते हैं पहले से ही, या फिर आपको पहले का सब चिन्ह बनाकर सह को जोड़कर पूरा ही लिख देना है लिख देना है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले ही से, ठीक है, पहले ही से। नेक्स्ट शब्द आपका पहले से पहल, ठीक है। ऊपर पढ़ा था हमने सिर्फ पहल, पहले पहल, आप से और जोड़ दिया, ऊपर पढ़ा था हमने पहले पहल और पहले पहले, अब क्या आ गया है, पहले से पहल, ठीक है, पहले से पहल, यहाँ पहले से पहले भी हो सकता है ना। चलिए दोनों शब्द को सीखते हैं कैसे लिख सकते हैं। लाइन नियर है आपकी, ठीक है, कुछ नहीं जो ये है ना, बस इसी में हमने से का आंकड़ा जोड़ देना है। तो पहले पहले हमने यहाँ डैश जोड़ा, आपके से का आंकड़ा जोड़ देंगे, पहले का सब चिन्ह, से का सब चिन्ह, पहले से फिर पे बना देंगे, पहला इस वाले का पहला शब्द मान लो या इस पहले का पूरा शब्द चिन्ह मान लो, ठीक है। तो ये हो गया पहले से पहल, और यदि हमें लिखना हो पहले से पहले, तो पहले से पहले, यहाँ हम क्या करेंगे, बिंदा लगा देंगे एक ही मात्रा को पढ़ने के लिए, तो पहले से पहले। तो ये जो है आज का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है वाक्यांश 3, ठीक है, बहुत ही ईजी था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, कुछ भी इसमें नहीं था। वाक्यांश 4 में भी ऐसा कुछ नहीं है, शब्द चिन्ह जो आपने पहले याद किए हुए हैं बस उन्हीं शब्द चिन्हों को हमने क्या किया है, शब्द चिन्हों को प्लस प्लस किया है, मतलब जोड़ा है अपने तरीके से, आप अपने तरीके से भी जोड़ सकते हैं, अगर कोई शब्द मेरा जुड़ा हुआ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, बहुत इजी था, कर सकते हैं। वाक्यांश 3 आपका समाप्त होता है, वाक्यांश 4 हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं, और उसके बाद 50 अभ्यास आपकी कवर होगी। WPM पर भी आपको ध्यान देना है, WPM की स्पीड आपको रेगुलरली मिल जा रही है, ठीक है, 40 हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 40, 50, 60, 70, 80 तक हमने अभी तक दे रखी है, 80 से ऊपर अभी नहीं है, आएगी। ये सब होने के बाद आपकी न्यूज़पेपर डिक्टेशन भी शुरू करेंगे, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर डिक्टेशन भी आपकी आएंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर डिक्टेशन में बहुत बेनिफिट होता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, बट इतना हैवी लेवल का नहीं होता है, इजी लेवल का ही होता है, इसलिए हम पहले बुक से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद न्यूज़पेपर करेंगे, पहले इजीली आ जाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम न्यूज़पेपर। शब्द चिन्हों को जितना हो सके उतना याद कर लें, लिख लिख कर देखें, स्टोरी बनाए, मैंने आपको कई बार बताया है, जो आपके पास बुक है कोई बुक ले सकते हैं, एक जैसे कि निबंध सरोज की बुक आती है वो आप ले सकते हैं, उसमें जो भी स्टोरी है उनको लिखें, स्टोरी हिंदी में है आपको शॉर्ट हैंड में लिखनी है, शॉर्ट हैंड में लिखनी है, उस शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद इस शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, क्या करना है, रीड करना है, रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उसी को फिर हिंदी बनानी है, ये वाला प्रोसेस सारा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बहुत ही डीपली बहुत ही तरीके से इसको बताऊंगा, एक अलग से डाउट क्लियरिंग जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें एक पूरी ही हाई स्पीड से लेकर कि हाई स्पीड स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, रीडिंग कैसे करें, क्या कुछ करें, वो सब चीज मैं बताऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अभी आज की ये अभ्यास खत्म हो गया, अभ्यास दूसरी हम लाने वाले हैं वाक्यांश 4, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना साथियों, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट में हमें जरूर बताना कि कैसी लगी, कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही मोर हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, एंड अपने साथियों में जो है शेयर जरूर करें, ठीक है, अपने साथियों में जरूर शेयर करें साथियों, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बच्चे को फ्री में शॉर्ट हैंड सीखने को मिल जाए, ठीक है, वो भी बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो ये आज के लिए इतना ही, लेते हैं इजाजत साथियों, जय हिंद।